ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। वापसी क्या है फ्रेंचाइजी का एक्स फैक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों, हमने बचपन से ही चोर और पुलिस की कई कहानियां सुनी हैं, जिसमें चोर एक बुरा इंसान होता है जो लोगों के पास से पैसा चुराकर भाग जाता है और आखिर में पुलिस उसे पकड़ लेती है और लो, हो गई कहानी ख़त्म। लेकिन फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा हमारे बचपन की कहानियों से थोड़ा सा हटकर सोचते हैं। उन्हें पुलिस से ज़्यादा चोर के बारे में जानने में मज़ा आता है और उनकी इसी दिलचस्पी ने जन्म दिया बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी और फेमस फ्रेंचाइजी यानी कि धूम को। आज से करीब 18 साल पहले आई फिल्म धूम बॉलीवुड इतिहास की एक ऐसी फिल्म थी जिसे देखने के बाद हम चोरी करने वाले चोर को कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे थे। साल 2004 में आई फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म धूम में चोर के रोल में जॉन अब्राहम नजर आए और उन्होंने फैंस का दिल चुरा लिया। हालांकि आपको बता दें, जॉन फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे। मेकर्स ने इससे पहले फिल्म के लिए संजू बाबा को अप्रोच किया था, लेकिन संजय दत्त बहुत ज़्यादा बिजी थे और मेकर्स चाहते थे संजू बाबा हो, क्योंकि उनकी नेगेटिव इमेज को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इसके बाद जॉन अब्राहम को कंफर्म किया गया, लेकिन जॉन ने भी इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। फिल्म में पहले बाइक्स की जगह मेकर्स कार का इस्तेमाल करने वाले थे, पर आदित्य चोपड़ा की राय से ये डिसीजन बदल दिया गया। इसके 2 साल बाद मेकर्स ने इसके सीक्वल को भी थिएटर में उतारा, जिसमें ऋतिक के नेगेटिव अवतार ने फैंस को दीवाना बना दिया। फिल्म एक बड़े बजट पर शूट की गई और ये वो पहली हिंदी फिल्म थी जिसे ब्राज़ील में शूट किया गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। साल 2006 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन गई, बट इसके बाद मेकर्स ने धूम 3 को लाने में 7 साल लगा दिए। धूम 3 फ्रेंचाइजी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। ये इंडियन इतिहास की पहली फिल्म रही जिसने 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था। फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी के बाद से फैंस इसके चौथे पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से फिल्म को लेकर कई रूमर्स आते ही रहते हैं। कभी फिल्म में सलमान का होना तय होता है, तो कभी अक्षय, तो कभी शाहरुख, लेकिन आगे चलकर सभी रूमर्स बेकार साबित हुए। हम आपको बताने वाले हैं, धूम 3 के रिलीज़ के बाद मेकर्स ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने सभी पुराने एक्टर्स को दिखाने का वादा किया था। यानी यही रीज़न हो सकता है कि फिल्म को आने में इतना टाइम लग रहा है। यानी कि धूम 4 मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली है और हो सकता है पुरानी फिल्मों के सारे चोरों को एक साथ दिखाया जाए। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है धूम 4 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।